वेलकम है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने A1 एजुकेशनल अब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की इस मैथ की क्लास में हम सुपर टॉप आपके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप UPTT, STT या आप CTT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, वीडियो में बढ़ते हैं। 20, 8, 5, 0, 7, 10 की माध्यिका आपको बतानी है। अब आपको ये आता होगा क्वेश्चन, लेकिन मैं जो तरीका आपको बताऊंगा वो एक सेकेंड में आप आंसर ला सकते हैं उससे। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, इन संख्याओं को हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो 0 लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर 7, 8, 10 और फिर 20। अब आपको कुछ नहीं करना है, n/2, n+1 कुछ नहीं करना है। सीधे क्या है, 2 इधर से छोड़िए, पदों की संख्या इसमें सम है, तो क्या करेंगे, 2 इधर से छोड़ दीजिए पद और 2 इधर से छोड़ दीजिए। बीच के आपके जो पद बचे 7 + 8, इनको जोड़कर आधा कर दीजिए, यानी 15 का आप हाफ करेंगे तो आपका 7.5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, क्लियर है। अगर इसी में पदों की संख्या विषम होती तो बराबर बराबर छोड़ देते और एक जो बचता वही आपकी माध्यिका हो जाती, उसमें आधा करने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। किसी संख्या के 40% में आपको 12 जोड़ने पर वही संख्या मिलती है, तो आपको मूल संख्या बतानी है। तो अगर हम संख्या को दोस्तों x मान लें, तो x के 40% में यानी x^40/100 लिख सकते हैं। इसमें आपका 12 जोड़ने पर वही संख्या मिलती है, तो देख लीजिए क्वेश्चन जो कह रहा है वही बना लीजिए। अब इधर से क्या करना है आपको, अब आपको करना है 40x आपका हो जाएगा और प्लस इसकी 100 की और 12 की गुणा करेंगे तो आपका 1200 हो जाएगा, बटा 100 आप लिख लीजिए अभी इधर x। अब 40x ये हो गया और प्लस 1200 आपका हो गया और इधर x और 100 गुणा करेगा तो 100x आपका हो जाएगा, ठीक है। यहां अब देखिएगा 40 को इधर ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा। 100x से 40x माइनस होगा इधर जाके, तो 60x = 1200, तो 60x = आप लिखिए 1200 और अब काट दीजिए, 0 0 कैंसिल, 6 × 2 = 12 और 0x = आपका कितना आ गया, 20 आ गया और ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 3 की पावर 34, 2 की पावर 51, 7 की पावर 17 में सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में कौन सी है, अब कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी ऐसी आपको बहुत सारी ट्रिक इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपका 3 की पावर 34 है, 2 की पावर 51, 7 की पावर 17, तो 3 की पावर 34 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिखो, ऊपर से 17 पावर लिख दो, ठीक है। अब आपका 2 की पावर 51 है, तो 2 की पावर क्या करेंगे, 3 लिख दो और ऊपर से 17 लिख दो। यहां 7 की पावर क्या लिखेंगे, 1 लगा दो चाहो तो, और यहां से 17 लिख दो ऊपर। अब पावर सबकी सेम हो गई, तो यहां 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 9 की पावर 17 और 2 की पावर आपका यानी 8 की पावर कितना हो जाएगा, 17 और ये 7 की पावर 17 हो जाएगा। अब जिसका दोस्तों आधार बड़ा होगा वही आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। 9 की पावर 17 हमने किसको लिखा, 3 की पावर 4 को लिखा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा आपका मिस्टेक है विकल्प में, तो वो मैनेज कर लीजिएगा। ये आपकी पावर लगी है, ये पावर लगी है, तो आपका 3 की पावर 34 यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 3 की पावर 34 है आपकी। 34 और 17, 51, 91 ये सब पावर हैं और ये आधार हैं आपके, तो देख लीजिएगा। बाकी आपका आंसर कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किसी विद्यालय में 150 लड़के और तथा 70% लड़कियां हैं, तो कुल विद्यार्थी आपको संख्या बतानी है। तो अगर हम दोस्तों 70% लड़कियां हैं ना, तो टोटल 100% होंगे, तो लड़के कितने, 30%। अगर हम विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या x मान लें, तो x का 30% आपका कितना हो जाएगा,
एक्स इंटू 30/100, और ये क्या है दोस्तों, लड़कों की संख्या है ना, तो लड़कों की संख्या के बराबर रख दीजिए। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3x बराबर, ये इधर से काट दीजिए, 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15, 0 आपका, तो इधर से आप सिर्फ x लिखेंगे, x बराबर 50 और गुणे 10, ये आपका कितना आ जाएगा 500, और x हमने क्या माना था, कुल विद्यार्थियों की संख्या मानी थी, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 500 विद्यार्थी कुल हैं, जिसमें 150 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन 90 120 से कितने प्रतिशत कम है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आप एक सेकंड मत लीजिएगा। 90 कितना कम है 120 से, 30 कम है, किस पे कैलकुलेशन करना है, पूछ रहा है 90 120 से कितना कम है, यानी कैलकुलेशन 120 पे करना है, प्रतिशत में निकालना है, 100 से गुणा करना है, 0 0 कैंसिल, 3 × 3 = 3, 3 × 4 = 12, 4 से 25 बार में कटेगा और 25% आंसर आएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर एक शेष बचता है, तो 8 9 12 15 का एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा एलसीएम, आप अगर निकालना नहीं जाते तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं, तो आप एलसीएम निकालना सीख लीजिए, नहीं तो इस वीडियो में अगर मैं आपको एलसीएम बताऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। 8 9 12 15 का एलसीएम दोस्तों 360, अब 360 ऐसी संख्या है जो इनसे, इन संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगी, यानी जीरो रिमाइंडर बचेगा, जीरो रिमाइंडर बचेगा, तो आपको करना क्या है, कह रहा है एक शेष बचे प्रत्येक दशा में, तो 360 में एक जोड़ दीजिए, तो आप इन संख्याओं से भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा, यानी वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 361 हो जाएगी, और ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद।